फिक्र की अगली खबर में बिजली के बिल वाला खुदकुशी है। दो बल्ब, एक पंखा और एक टीवी चलने पर बिल कितना आ सकता है? सोचिए, एक वाइल्ड गेस करिए। आप बोलेंगे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10000 रुपए। ना ना, क्या ये 1,09,221 रुपए का हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बिजली बिल वाला ये करिश्मा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हो गया। परिवार का दावा है कि इस बिल की वजह से उसके बेटे ने अपनी जान दे दी। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उस बिजली बिल की तस्वीर है। सितंबर महीने का ये बिल 1,09,221 रुपए का है जो बिजली विभाग ने भेजा है। बिल में उपभोक्ता का नाम शुभम लिखा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। शुभम ने जब यह बिल देखा तो परेशान हो गया। परिवार के मुताबिक काफी भागदौड़ और शिकायत के बाद बिल 16,377 रुपए का कर दिया गया। शुभम ने 14 सितंबर को किसी तरह यह रकम चुकाई, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से अगला बिल आया तो वो परेशान हो गया। 7 अक्टूबर को 8,223 रुपए का बिजली बिल फिर भेज दिया गया। परिवार के मुताबिक घर में दो बल्ब, एक पंखा और एक टीवी के अलावा कोई बिजली का उपकरण नहीं है, तो फिर इतना बिल कैसे आ सकता है? इसके बाद जो हुआ उस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। शुभम के पिता का दावा है कि बिल की वजह से उनका बेटा मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसने फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि बिजली विभाग कह रहा है कि पारिवारिक वजह से उसने एक कदम उठाया। वो ये बिजली बिल पहले आया था 1,09,221 रुपया, उसमें दौड़ धूप के ये 16,000 जमा किया। अबे 15 दिन नहीं भे, फिर 8,000 आ गया। वो इसी टेंशन में लगा लिया, फांसी लगा लिया। टीवी चलती है, एक बल्ब, एक पंखा। उपभोक्ता के पत्नी को मीटर रीड द्वारा बता भी दिया गया था कि ये बिल गलत निर्गत हुआ है, यह संशोधित होकर 150 से 200 के बीच आएगा। बिल के कारण मृत्यु होने का प्रचार किया जा रहा है जो सही नहीं है। प्रतीत हो रहा है कि घर में किसी पारिवारिक कारणों से ऐसा संभव हो सकता है। परिवार और बिजली विभाग में कौन सच बोल रहा है, यह जांच का विषय है। लेकिन एक परिवार ने अपना बेटा जरूर खो दिया। वैसे मामला सुर्खियों में आया तो यूपी सरकार एक्शन में आ गई। ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के 2 इंजीनियर समेत 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। मंत्री ने भरोसा दिया है कि जरूरत पड़ने पर अन्य कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि जब मीटर रीडर मीटर की रीडिंग को नोट करके बिल बनाता है तो यह बढ़कर कैसे आ जाता है, वो भी 1,000 में नहीं, लाखों में? क्या बिल तैयार करने वाले कर्मी को एक बार भी ये समझ नहीं आया कि बिल 1,00,000 से ज्यादा कैसे हो गया? वो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकता था, लेकिन शायद उसके पास वक्त नहीं था। वैसे बिजली विभाग भी ये मान रहा है कि सिस्टम की गलती की वजह से ज्यादा का बिल आ गया। सिस्टम में लोग नहीं होते हैं क्या? तो इस गलत बिल की जिम्मेदारी किसकी है, यह बहुत बड़ा सवाल है।